अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरा लॉस वीलॉग जो देखा था वो मैंने आपको बताया कि मैं चिंगयुआन आया हूँ अपनी फैक्ट्री से। मुझे कुछ अपना सामान लेना था क्योंकि मुझे आगे ट्रैवल करना है, तो मेरा बैग था यहाँ पे। तो आज मैं वापस जा रहा हूँ और एक मिनट, ये आपने देखा ये बुलेट ट्रेन गई है। तो मैं बेसिकली चिंगयुआन में था, तो चिंगयुआन से जो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन मेन जो इनका ट्रेन स्टेशन है, वो तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर है। तो वो वहाँ पे जाना जो है ना, वो बड़ा मसला होता है। तो एक छोटा सा टाउन है चिंगयुआन के करीब जिसका नाम है लोंगतंगजन। तो ये एक छोटा सा कस्बा है। तो मैंने डिसाइड ये किया, मैं अक्सर ये वाला रूट लेता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री से जो है 5-10 मिनट की ड्राइव है इस कस्बे में आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है, आपने भी देखा एक बुलेट ट्रेन गुजर के गई है। यहाँ पे कोई बड़ी ट्रेन रुकती नहीं है, ट्रैक यहाँ पे बिछा हुआ है, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने ऐसा फैसिलिटेट किया हुआ है अपने छोटे जो कस्बे हैं उनके लोगों को भी, कि बड़े शहरों के साथ कनेक्ट करवाने के लिए ये एक छोटा सा जो है इंटरसिटी स्टेशन बना दिया। तो ये जो छोटे छोटे स्टेशन हैं, ये यहाँ पे अभी एक ट्रेन आएगी जिसका नाम ही इंटरसिटी ट्रेन है। तो ये ट्रेन बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों को कनेक्ट करती है। अब ये जो ट्रेन मैं लेके जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट जो है ना ग्वांजो एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट होती है। और अगर आपने ग्वांजो एयरपोर्ट पे नहीं जाना, शहर में जाना है, तो आप उससे पहले एक स्टेशन है ग्वांजो का, वहाँ पर भी उतर सकते हैं। और एयरपोर्ट वाली लाइन के साथ इन्होंने इस बड़ी ये जो इंटरसिटी ट्रेन है इसको कनेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल एक नया सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया। बेशुमार यहाँ पे लोकल लोग हैं, उनको भी नहीं पता कि ये इंटरसिटी ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मेरे जितने पाकिस्तानी दोस्त हैं जो ग्वांजो में हैं, मैंने जब उनको बताया कि मैं ये वाली ट्रेन यूज़ करके ग्वांजो आता हूँ, तो उनको भी नहीं पता था। तो अभी वो ट्रेन आएगी और मेरा ख्याल है 15-20 मिनट लगते हैं छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पर स्टॉप करते करते, फिर ये आपको मेन लाइन के साथ जो मेन आर्टरी है ग्वांजो की लाइन 3 उसके साथ कनेक्ट कर देगी। तो ये मेरी ट्रेन आ गई है, ये बुलेट ट्रेन वाली ही पटरी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वो ट्रेन नहीं है। ये इसके ऊपर भी लिखा होगा इंटरसिटी ट्रेन, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ और वीलॉग के चक्कर में जो है वो ट्रेन मिस हो जानी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक आध मिनट के लिए रुकती है। तो इस तरह भी ये छोटे छोटे स्टॉप्स लेते हुए आधे घंटे में मुझे ग्वांजो पहुँचा देगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन और खाली ट्रेन, इसी तरह आप इस साइड पर भी देख सकते हैं। और बस यही आपको बताना था कि किस तरह जो है ये वाकई जो है ना लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो एनी हाउ, एक और ये छोटा सा स्टॉप आया शिलिंग, यहाँ भी एक आध मिनट के लिए रुकेगी और मेरा ख्याल नेक्स्ट स्टॉप जो है वो शायद फौदुआ, जहाँ से मैं उतर जाऊँगा। तो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।